ऑल्टो इनोवा, तो इसका फ्यूल फिल्टर वार्निंग लाइट रिसेट करेंगे मैनुअली। मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। गाड़ी मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फ्यूल फिल्टर वार्निंग लाइट है ये कंटिन्यूसली ऑन है, तो इसको मैनुअली रिसेट करते हैं। उसके लिए मैं इग्निशन स्विच को ऑफ करूँगा। मैं ऑफ किया और चाबी बाहर निकालूँगा और उसका आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो ये इसका डीजल फिल्टर है और डीजल फिल्टर का ये जो कनेक्टर है उसको अपन रिमूव करेंगे। गाड़ी को एक बार स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टार्ट किया, अभी ये लाइट है ऑन और गाड़ी स्टार्ट में ही अपन वापस जाएंगे और एक कनेक्टर को अपन कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट किया प्रॉपर, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये अपना जो फ्यूल फिल्टर वार्निंग लाइट है वो चला गया। गाड़ी अपनी स्टार्ट है, गाड़ी वापस बंद करके दिखाता हूँ। बंद किया, ऑन किया, गाड़ी को स्टार्ट किया और ये फ्यूल फिल्टर का जो साइन था वो चला गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।